तो क्या है दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। और आज का डेली ब्लॉग शुरू करते हैं, न्यू मॉर्निंग के साथ न्यू ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का ब्लॉग जो है कैसा जाता है कैसा नहीं। तो चलो अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर न्यू होते सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, और अपने चैनल को सपोर्ट बहुत ज़्यादा करो, बहुत 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 ज़्यादा करो सपोर्ट। गाइस आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है, तो अपना ब्लॉग जो है स्टार्ट करते हैं। चलो तो दोस्तों, अभी आए थे यहाँ पर रोहित के साथ कटिंग कराने, मतलब मैं तो करूँगा नहीं, रोहित आया था कटिंग करने के लिए। तो मैं बाहर बैठा होता तो बोल रहा था उसे, चल कटिंग कराने चल रहे बालों की। मैंने कहा चल भाई चल रहे, तो देखते कटिंग इसकी कब तक होती है। कट गए बाल तेरे? कट गए भैया? तो चले फिर घर चले। तो दोस्तों अभी रोहित के साथ जा रहा था कटिंग करवाने पे घर पे, और भाई इतने में मिल गया सचिन मुझे। तो भाई सचिन भी कह रहा है कि भाई चल रहे शादे चल रहे। मैंने कहा काहे के लिए? तो कह रहा भाई कावड़ पे जाएगा ना बंदा, तो इसको कपड़े लाने अपने इसके लिए, कावड़ वावड़ के लिए। तो मैंने कहा चलो भाई चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कावड़ के कपड़े लेने जा रहे हैं सचिन के साथ। आपने देखा किसी भी बंदों के साथ हम कावड़ पे कपड़े लेने गए? केवल, राज, ठीक है, और मोहित के साथ भी गए थे, काफी बंदों के साथ गए, सनी के साथ भी गए थे। तो वही तो देखा आपने कि कितना मतलब कितने मस्त मस्त एकदम एक से एक कपड़े टंगे हुए। तो अभी सचिन के साथ भी जाएंगे, मतलब सचिन को भी अच्छे कपड़े दिला के लाएंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों अभी उतर चुके हैं, तो अभी जाएंगे मार्केट के अंदर, तो चलो चलते हैं। सो गाइस जो है मैं सामान जो है वो ले लिया है, और ये हमने कुछ सामान लिए, जैसे टी शर्ट हो गई, और यहाँ पर ये गमछा हो गया, ठीक है, इसके अंदर गमछा और टी शर्ट है, और मनी बैग है, और ये दो कच्छे लिए हमने, जो कि अपने कावड़ का सामान जो है पूरा हो गया। और काफ़ी सारी देखो यहाँ पर लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप, और यहाँ पर काफ़ी सारे लग रहे हैं, आप ले सकते हैं। यहाँ पर छोटे बाजार में आके लोहे वाले पुल के नीचे भाई मिलेंगे आपको। तो ये और दो लिए बस, हो गया क्या? चलो फिर। तो गाइस अभी सारा सामान ले लिया है, और अभी रिक्शे में बैठ चुके हैं, अभी जा रहे हैं सीधा घर पे। तो घर पे मिलता है आपसे। गाइस अभी आ चुके हैं घर पर, और भाई कपड़े कपड़े सब दिला दिए, तो उसको सचिन चलाएगा अपने घर पर। और अभी तो संजना सो रही है, तो कौन से देख लो कौन से स्टाइल में सो रही है, अलग ही जैसे कहीं बात कर रही हो। और मैं सुन रहा हूँ ब्लॉग की एडिटिंग कर लेते हैं, टाइम भी हो चुका 4 बजे, तो चलो फिर एडिटिंग करते हैं, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। और दोस्तों वीडियो जो है वो एडिट हो चुकी है, और अभी तक संजना सो ही रही है, तो चलो चलते हैं वीडियो अपलोड करने के लिए। तो दोस्तों अभी आए दिलीप भाई की दुकान पे वीडियो अपलोड करने के लिए, तो चलो वीडियो अपलोड कर लेते हैं फटाफट, और चिप्स खाते साथ में। इस वीडियो जो है अपलोड हो चुकी है, और भाई मुझे अपनी जो सिविल डिफेंस की वो होती है ना जैकेट होती है ऊपर की, वो भी लानी है, बिकॉज उसके बिना तो भाई काम ही नहीं हो सकता बिल्कुल भी। ली है चाबी दिलीप भाई से, तो अभी तो दिलीप भाई यहीं पर ही काम कर रहे हैं, तो मैं जब तक हो जाता हूँ। तो चलो फिर चलते हैं फटाफट। तो गाइज अपनी जैकेट जो मिल चुकी है, तो चलो फिर ले लेते हैं फटाफट, चलते हैं फिर। तो गाइज अभी आ चुके हैं घर पर, और मैं आपको बता दूं जैकेट मैं इसलिए लाया हूँ बिकॉज मेरी ड्यूटी लग रही है ना कावड़ सेवा पे, इसी वजह से। तो अपने ड्यूटी पे जाते हैं हम, तो इसी वजह से जैकेट लानी पड़ी। जैकेट क्योंकि थी उस पर, तो मैंने पहले मांगी थी किसी और की, तो फिर मैंने कहा अपनी ले आते हैं जब ड्यूटी पे जानी है तो। और कल भी गए थे हम ड्यूटी पे, तो कल तो शायद कल का जो ब्लॉग है जो बहुत छोटा था वो, इसी वजह से तो एडिट करने के बाद वीडियो अपलोड करने गया था है, वहीं से वहीं फिर मुझे पता चला, फिर एकदम ध्यान आया मुझे जाना है वीडियो वहाँ पर कावड़ सेवा पे, तो फिर मैं जल्दी जल्दी तैयार होगा, फिर वीडियो ही नहीं बना पाया। तो अभी तो अपने तैयार होंगे, जल्दी से वीडियो बनाएंगे 8 बजे, अभी तो टाइम हो रहा है 7 बजे। तो गाइज अपने रेडी हो चुके, तो चलो चलते हैं, अभी टाइम भी हो चुका है अभी, तो चलो। सो गाइज अभी मैं हूँ पंडाल में, और भाई मेरी ड्यूटी लग रही है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना मस्त इन्होंने लगा रखा भाई सेटअप, कितने प्यारे प्यारे भगवान जी लगा रखे हैं भाई साहब, एकदम जो डेकोरेशन करी है कितनी जेन्युइन लग रही है डेकोरेशन, एकदम मस्त। तो अभी आ चुके हैं भाई घर पर, लिटरली हालत देख सकते हो बहुत ज्यादा बेकार से हो रही है, बिकॉज वहाँ पर इतनी ज्यादा गर्मी लगती है, अपनी ड्यूटी जो है कम्प्लीट हो चुकी है, और इस टाइम भाई रात के बज रहे हैं 12, और भाई मैं अभी घर पे हूँ, भाई सारे सो रहे लिटरली, मतलब पापा तो भारी सो रहे हैं यहाँ पर, तो भाई बड़े थोड़ा मतलब थोड़ा आराम आराम से बोलना पड़ रहा है, वरना तो भाई थक जाएंगे बहुत ही मारेंगे, कि हर टाइम तो कुत्ते हर टाइम ब्लॉग करता रहता अपना, देखता नहीं कोई सो रहा है नहीं सो रहा। तो चलो ये वाला ब्लॉग जो है एंड करते हैं, मुझे बताना कमेंट करके आपको ये वाला ब्लॉग जो है कैसा लगा कैसा नहीं। तो अगर ब्लॉग जो है आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, न्यू चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और भाई मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, बाय, टाटा।